Good morning, everyone, and good evening, everyone. In fact, this is evening time when all of you are here with us for our first online pre-primary class. Good evening, Akshara. How are you? Good evening, ma'am. I am fine, and I was very excited for today, as after a long break, we are here together back again on the online classes. And our kids can see all of us. Yes, एक महीने की छुट्टी के बाद हम वापस सब बच्चों के साथ मिल रहे हैं. Generally, छुट्टी तो डेढ़ महीने की होती है या 45 days की होती है अक्षरा. तो आपने इस बार एक ही महीने की छुट्टी क्यों की बच्चों को? वैसे ही लॉकडाउन में. Because we were missing our kids. And I thought ki let's sitting at home only we can go to our classes. Hamara school abhi hamare ghar pe hi hai. So why to extend the holidays? Hum summer breaks ko extend na karke. And we can just meet our kids because main bahut zyada unhe miss kar rahi thi. And I hope mere bachche bhi mujhe aur mere teachers ko hamare dolphins ko bahut miss kar rahe hain. So that is why we were not और पूरा जून चलते हैं, फिर हम जुलाई में खुलते हैं. और तुमको पता है जून में हम समर ब्रेक देते क्यों हैं? क्योंकि सन बहुत हैवी होता है, बहुत गर्म होता है और बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है. और वो तो तब हमको लगता है जब हम स्कूल जाते हैं और आते हैं. घर पे तो हम एसी में बैठे हैं, कूलर में बैठे हैं, तो नॉट एन इश्यू विद अस. तो दैट इज वाई. तो आपको कहीं बाहर नहीं जाना है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, स्कूल नहीं जाना है, घर से ही पढ़ना है. तो फिर क्यों हम लर्निंग को अपने से दूर करें? राइट. सो यू आर टोटली राइट विद दिस. हम भी बच्चों को मिस कर रहे हैं, बच्चे भी हमको मिस कर रहे हैं और अपने टीचर्स को मिस कर रहे हैं. तो हम अपनी ऑनलाइन क्लास शाम को जो चल रही है 6 to 7, उसमें हम अपने सब बच्चों को एड्रेस करते हैं. और आज हमारा पहला क्लास है, तो सबसे पहले इनको वेलकम किया जाए. अक्षरा. यस मैम, वी विल वेलकम देम विद ऑल आवर वार्म हग्स एंड वी विल ग्रीट देम. ओके, तो आई थिंक आपने एक वीडियो प्लान किया है इनको दिखाने का, तो आई विल टेक देम डायरेक्टली टू वीडियो. पहले हम वीडियो देखते हैं और उसके बाद हम बात करते हैं. ओके ओके मैम. मैम नमस्ते. Namaste, namaste, we join our hands and say. Namaste, namaste, we bow our heads and say. Assalamualaikum, the Khan family's way. Vanakam, vanakam, in Tamil we say. Sat, sat, up. Sat Sri Akal, the big Punjabi hail. To say hello in India, there are many ways. Namaste, namaste, we join our hands and say. Namaste, namaste, we bow our heads and say. Assalamualaikum, the Khan family's way. Vanakkam, vanakkam, in Tamil we say. Sat Sri Akal, the big Punjabi hail. To say hello in India, there are many ways. Namaste, we join our hands and say. Namaste, namaste, we bow our heads and say. Assalamualaikum, the Khan family's way. Vanakkam, in Tamil we say. Sat Sri Akal, the big Punjabi hail. To say hello in India, there are many ways. Do you want to see more? ओके, सो नमस्ते, सत श्री अकाल, वड़कम, यस, और सलाम. सो आप सबको सलाम लोगों के साइड से, डॉल्फिन्स फैमिली से. और चलो कुछ और ग्रीटिंग्स के बारे में बात करते हैं. अक्षरा, आपको पता है डॉल्फिन्स की ग्रीटिंग कैसे करते हैं? आई थिंक विद द स्माइल. यस, विद द स्माइल. And we have a way called happy morning. So we hold our hands and we say happy morning. So abhi aap sabko happy evening.
और अभी इस कोरोना वायरस के टाइम पे सबने महसूस कर लिया कि हमारे हिंदुस्तान के तरीके ही बेस्ट तरीके हैं ग्रीटिंग करने के, हैंडशेक करने के, हमारा बहुत कुछ गड़बड़ हो जाता है. नो टू हैंडशेक एंड यस टू नमस्ते. यस, से नमस्ते टू एवरीवन. एंड आपको पता है अक्षरा फ्रेंच में कैसे करते हैं नमस्ते? नो, मैंने अभी लॉकडाउन पीरियड में फ्रेंच सीखी है. सो फ्रेंच में हम बोलते हैं बॉन्जू मदाम. इफ यू आर अ मैडम आई हैव टू से बॉन्जू मदाम. बॉन्जूर मदाम, बॉन्जूर दीपिका मदाम. सो दैट्स अमेजिंग वे ऑफ सेइंग नमस्ते इन फ्रेंच. सो कब कब नमस्ते कर सकते हैं अक्षरा? बच्चों को थोड़ा गाइड करो ताकि उनको पता हो कि उनको नमस्ते किसको किसको और कब कब करना है. Yes, it is very important. First of all, I would like to greet everybody. Namaste, salam, and vanakkam, and sasriyakal. Welcome all. And I would just want to tell you, kids, hame namaste kab aur kis kis ko karna hai. To namaste hame sabse karni chahiye, chahe wo humse chote ho, chahe wo humse bade ho. But yes, hamare jitne bhi elders hain, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उन्हें मॉर्निंग में उठ के नमस्ते करें, विश करें. हम लोग का मैम इंडियन जो है रिलीजन, वो बच्चों को बॉयज को स्पेशली, गर्ल्स को इतना चांस नहीं मिलता है, बट बॉयज दे कैन ग्रीट द पेरेंट्स बाय टचिंग देयर फीट. तो वो भी एक ग्रीटिंग का ही फॉर्म है. बट जनरली गर्ल्स को नहीं टच करने दिया जाता पैरों को, बिकॉज दे आर अ फॉर्म ऑफ गॉडेस. तो ऐसा नहीं है, देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन. कुछ बच्चों को जब मैं छोटी थी मुझे लगता था कि डिस्क्रिमिनेशन है ये, हमको क्यों नहीं छोड़ने देते थे. एंड माय फादर एक्सप्लेन दैट यू आर अ फॉर्म ऑफ गॉडेस, हम देवी की तरह तुम्हारी पूजा करते हैं, तुम्हें कन्या भोज नवरात्र में करवाते हैं, तो इसलिए तुमसे पैर नहीं छुआएंगे. देन आई अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ इट. और नमस्ते हम अपने एल्डर्स को करें, हमारे फैमिली मेंबर्स जो हमारे गेस्ट घर पे आते हैं उनसे कहें. And you know, when we do the greetings, we get blessings. हमें blessings मिलती है. जब कोई बड़े से हम नमस्ते करते हैं ना, they say bless you, खुश रहो. So it adds, you know, positivity as well as long life to you. तो I totally agree to you, Akshara. नमस्ते. आपके घर में कोई भी guest आ रहा है, हम हिंदुस्तान में बोलते हैं अतिथि देवो भव. तो गेस्ट हमारा भगवान की तरह है, तो भगवान को जैसे आप हाथ जोड़ के नमस्कार करते हो या हाथ नमन करके अपना अरदास करते हो, या चाहे आप नमाज पढ़ते हो तो आप नमाज भी ऐसे पढ़ते हैं. सो आप कुछ भी करते हैं, आप गॉड को विश करते हैं, उसी तरीके से आप अपने फैमिली मेंबर्स को, अपने फ्रेंड्स को नमस्ते करके विश कर सकते हैं. जो भी आपके घर आता है उसको आप, छोटे बच्चे प्लीज नमस्ते करेंगे. और आपके घर, आप किसी के घर जाते हो, आप अपने मामा जी के घर जाते हो, बुआ जी के घर जाते हो, वहां पे भी सबको जाके नमस्ते करेंगे. मान लो अक्षरा मेरी बुआ है तो मैं बोलूंगी बुआ जी नमस्ते और खुश रहो. खुश रहो, तो जैसे ही बुआ जी ने मुझे खुश रहो कहा तो मुझे ब्लेसिंग मिली. और ब्लेसिंग्स को बहुत ज्यादा लो लोगों से, और जितनी ब्लेसिंग्स लोगे गॉड उतना आपके ऊपर हैप्पी होंगे. एंड कल अक्षरा ये क्लास कैसे चलेगी? आपने बच्चों को शाम को बुला लिया 6 बजे से 7 बजे तक यूट्यूब पर, ऐसा क्यों किया? मैम बिकॉज जब हम कल क्लास में जाएंगे सो वी विल बी अवेयर ऑफ व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी. हम यूट्यूब पे यहाँ पर जो भी बता रहे हैं ना बच्चों को, दैट इज हेल्पफुल फॉर देम फॉर टुमारोज क्लास. तो जब वो कल मॉर्निंग में गूगल मीट के क्लास में जाएंगे, दे विल बी वेल अवेयर ऑफ व्हाट द मैम इज गोइंग टू टीच. ओह दैट्स अ गुड आइडिया. तो एवरी डे शाम को 6 to 7 आप यहाँ पे आएंगे. और यहाँ पे क्या कराओगे बच्चों को? स्टोरी सुनाओगे? जल्दी जल्दी बताओ तो मैं क्यों आऊँ. स्टोरी सुनाएंगे, डांस कराएंगे, मस्ती कराएंगे, उनको थोड़ा फन गेम में एक्सरसाइज कराएंगे. And we will teach them lots of reading vocabularies. उनको हम लोग reading skills भी शुरू करेंगे. Yes, rhymes definitely. Daily एक rhyme को मैं कराएंगे. और अगर मेरा बच्चा bore होने लगेगा ना, तो मैं फटाफट से उसे मस्ती वाले zone में ले जाऊंगी. उसको पता भी नहीं चलेगा.
तो बोर तो होने का कोई चांस ही नहीं है. ओके सो आई लव राइम्स, आई लव सिंगिंग, आई लव लिसनिंग टू स्टोरीज एंड आई लाइक टॉकिंग टू माई टीचर बट हेयर आई हैव टू लिसन. तो आप पेरेंट्स से मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप 6 to 7 वाले टाइम में अपने बच्चे के साथ अपना चाहे टीवी पे यूट्यूब खोल लीजिए. पता है एक्चुअली आजकल टीवी पे भी यूट्यूब चलता है. यस इन द स्मार्ट टीवी. या सो इफ यू हैव अ स्मार्ट टीवी आप टीवी पे यूट्यूब खोल सकते हैं, हमारा डॉल्फिन्स ग्रुप का चैनल देख सकते हैं वहां पे. और टीवी में इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि डिस्टेंस मेंटेन हो जाता है, मतलब आप दूर बैठते हो ना तो टीवी में उससे डिस्टेंस मेंटेन हो जाता है. या आप अपने मोबाइल पे देख सकते हो या लैपटॉप पे देख सकते हो या आईपैड पे देख सकते हो. सो आपके पास जो भी मीडियम है आप 6 to 7 ऑनलाइन आके लाइव हमारे साथ देख सकते हो. और अगर बाई चांस मोबाइल नहीं चार्ज है या टीवी का रिमोट नहीं मिल रहा है या लैपटॉप डिस्चार्ज है तो उस केस में ये वीडियो सेव रहेगा, आप कभी भी आके क्लास से पहले देख सकते हो. और जब आप क्लास में जाओगे, 3 क्लासेस हैं अक्षरा नेक्स्ट डे नर्सरी केजी प्रेप के. Yes, अलग अलग वी हैव ऑल द 3 क्लासेस. हाँ सो 3 क्लासेस हैं हमारे, 10 to 10:45 नर्सरी, 11 to 11:45 केजी और 12 to 12:45 प्रेप. सो आप जिस भी लेवल पर पिछले साल थे इस बार आप नए लेवल पर आ गए हो तो आप अपने लेवल पे के क्लास को आप नेक्स्ट डे गूगल मीट में गूगल क्लासरूम के जरिए जा सकते हैं और वहाँ पे आपकी टीचर आपसे इसी के बारे में ही बात करेगी. सो अब जब जाओगे तो नेक्स्ट डे गुड मॉर्निंग नहीं बोलना है, क्या बोलना है? नमस्ते मैम. नमस्ते. आप सब ऐसे नमस्ते करके बैठी रहोगी तो मैम को पता लगेगा कि आप शाम का क्लास करके आए हो. ओके हमने आज आपको एक ड्राइंग बताई हो कैसे ड्राइंग करते हैं, क्योंकि आपकी छोटी छोटी हाथों के लिए बहुत जरूरी है कि आप ग्रॉस मोटर स्किल्स करो. तो हम यहाँ पे मैं और अक्षरा तो करेंगे आपके साथ पर आपको भी करना पड़ेगा. तो पेरेंट्स मुझे आपकी इस में जरूरत पड़ेगी कि जब मैं और अक्षरा या कोई टीचर यूट्यूब पर आके बच्चों को कुछ करवा रहे होते हैं तो आप प्लीज वो बच्चों को उस समय करवाइए, या उस समय नहीं करवा पा रहे हैं तो आप देख लीजिए कैसे कराना है. और उसको जब भी उसका मूड है, जैसे हम लोग पेरेंटिंग सेशन में बोलते हैं कि बच्चे का मूड देख के काम कराइए, क्योंकि ये ऑनलाइन क्लासेस पता है अक्षरा बच्चों को समझ में अभी नहीं आ रही हैं क्योंकि इतना वो यूज टू नहीं है. उनको टीचर से फेस टू फेस मिलना, उनकी हाथ पकड़ना, उनके गालों पर छोटी सी किस करना और टीचर्स को उनको हक करना, ये सब वो बहुत मिस कर रहे हैं. हम भी समझ रहे हैं. तो पेरेंट्स ये सब आपको करना है. अगर दीपिका मैम को हक करना है बच्चे को तो मैं आपसे डिमांड करूँ एक अच्छा सा हक दे दो मेरे बच्चे को, तो प्लीज आप उसके साथ बैठिए, मोबाइल खोल के छोड़ के किचन में मत चले जाइए. उसको नहीं समझ में आएगा क्या करना है, वो बहुत छोटा है, वो 3 साल का बच्चा है, 4 साल का बच्चा है, 5 साल का बच्चा है. तो मुझे ऑनलाइन क्लास को सक्सेसफुल बनाने के लिए आप सबकी ज़रूरत है. हमारे टीचर्स आपसे कुछ रिक्वेस्ट करेंगे, अगर मान लो बहुत अच्छा काम किया तो टीचर्स बोलेंगे एक किसी दर्द होना चाहिए बच्चे के लिए, तो वो किसी हम कहाँ से दें, हम तो यही कर सकते हैं. आपको करना पड़ेगा वहाँ पे उसके लिए वो काम, क्योंकि इमोशनल डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है मेंटल डेवलपमेंट के साथ साथ. तो अगर हम सिर्फ इसको एक ये जो लैपटॉप है ना या जो ये मीडियम है इसमें इमोशंस नहीं है, इसमें दिखा नहीं सकते, मैं उसको छू नहीं सकती, वो बच्चा मुझे छू नहीं सकता है. सो हमें उस चीज़ को गैप को कम करना है और हमें अपने प्रेजेंस से, मुझे पता है कि आप लोगों का टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा, आई टोटली अंडरस्टैंड, बट बच्चे के खातिर इतना तो हम कर ही सकते हैं. और मान लो हम लोगों ने कोई ड्राइंग करी है तो नेक्स्ट डे वो ड्राइंग बच्चों को दिखानी होगी अपनी क्लास में ले जाकर, और वो शो करेगा मैम को कि मैम मैंने ये बनाया, ये देखिए. तो वो जब यहाँ से करके जाएगा तभी वो कर पाएगा. सो प्लीज़ आपका सपोर्ट हमें इस चीज़ के लिए चाहिए होगा. तो 6 to 7 यूट्यूब का क्लास सिर्फ आप लोगों के लिए किया है ताकि आप लोग अपनी कन्वीनियंस से देख लें, क्योंकि नेक्स्ट डे 10 बजे का क्लास तो 10 बजे ही होगा, उसका कोई टेलीकास्ट नहीं हो सकता है. वो टीचर क्लास के लिए बच्चों के साथ, कुछ पेरेंट्स ने अक्षरा मुझे बोला था यूट्यूब गूगल चैनल को भी आप रिकॉर्ड करके हमको दे दीजिए, विच इज नॉट पॉसिबल.
तो गूगल क्लास में तो टीचर लाइव बच्चे को पढ़ाएगा और यहीं से टॉपिक्स लेगा। तो अगर आपने नमस्ते करना सिखाया है और हम उसको नहीं देख पा रहे हैं, तो आप उसके पास बैठे हैं तो आप उसको बोल सकते हैं चलो नमस्ते करते हैं। और पता है अक्षरा, बच्चों को काम कराने के लिए क्या करना पड़ता है? हमको काम क्या करना पड़ता है? हमको काम करना, वो बंदर वाली स्टोरी सुनी है ना कि बंदर को रिपीट कराने के लिए बंदर को सब काम करना पड़ता है, तो वही काम हमको। डेफिनेटली मैम, आई अग्री, से एंड डू अप्लाई तो करना पड़ेगा। तो जब तक हम नहीं बोल के करेंगे वो कैसे करेगा? उससे करवाने के लिए पहले मुझे भी तो करना पड़ेगा। अब मैं खुद पे अप्लाई नहीं करूंगी तो मेरा बच्चा भी कैसे करेगा? तो से एंड डू इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर हमने आपको आज वीडियो दिखाया है जहाँ पे हमने आपको बताया है कि आप अपने परिवार के हिसाब से जिस भी तरीके से आप ग्रीटिंग करते हैं, हम नहीं बोल रहे हैं कि नमस्ते करो, हमने आपको बताया नमस्ते कर सकते हैं, आप सलाम कर सकते हैं, आप आदाब कर सकते हैं, आप सत श्री अकाल बोल सकते हैं, आप वड़क्कम बोल सकते हैं, आप बोंजू मदाम बोल सकते हैं, बट आप क्या बोलते हैं वो आपको पिकअप करना है। क्योंकि हमें यूट्यूब चैनल में तो 2000 लोग देख रहे हैं और वो 2000 लोग अपने अपने घरों में अपनी अपनी चीजें करते हैं, तो यहाँ से हम आपको एक्सेस देते हैं कि आप अपने घर में क्या प्रमोट करते हैं। तो अगर आपके घर में सलाम बोला जाता है तो बच्चे को सलाम बोलना सिखाइए, और जब आप सलाम बोलना सिखाएंगे तो वो भी करेगा। और सलाम बोलना सिखाने का सबसे तरीका क्या है? रोज सलाम करना, रोज रोज सुबह उठो और उसको सलाम करो। जब आप उसको सलाम करने लगोगे तो वो भी सलाम करने लगेगा, आप नमस्ते करोगे तो वो भी नमस्ते करेगा, आप सत श्री अकाल करोगे तो वो भी सत श्री अकाल करेगा। तो सत श्री अकाल आप बताएंगे उसको, वो आपकी जिम्मेदारी है। हमने बता दिया, करेंगे आप और उसकी बात करेगा हमारा प्यारा छोटा सा बच्चा। यस अक्षरा, और कुछ कहना चाहते हो आप उनको? बस मैम, मैं यही कहना चाहती हूँ कि हम कल फिर मिलेंगे और इस बारे में जरूर डिस्कस करेंगे क्लासेस में। तो आई विल आस्क माय स्टूडेंट्स कि हमें अपने मम्मा पापा से सबसे ग्रीटिंग्स करना है, जो भी ग्रीटिंग्स आप करना चाहते हो, बट डू अप्लाई इट इन योर डेली रूटीन। यस, और आज हमारे पास है एक बहुत ही अमेजिंग राइम जो आप सुनेंगे और आप प्रैक्टिस करेंगे घर पे, और हो सकता है कि कल हमारी मैडम हमें क्लास में पूछ ले, तो कोई टेंशन नहीं लेना है, मस्ती मस्ती में राइम करनी है। और ये राइम ऑलरेडी आपने अप्रैल में की हुई है तो हम रिपीट करवा रहे हैं ये राइम। तो हम एक राइम करेंगे, हम एक छोटा सा स्क्रिबलिंग करेंगे, मुझे स्क्रिबलिंग करने में बहुत मजा आता है। तो अक्षरा, तुमको भी स्क्रिबलिंग करना अच्छा लगता है? ओके, सो ये देखो। यस मैम, सी आई एम ऑलरेडी हैविंग माय कलर्स नेक्स्ट टू मी। और आप अभी तक अगर बुक सेट नहीं ले पाए हो तो बुक सेट अवेलेबल है, आप बच्चों का बुक सेट ला सकते हैं। वहां से आपको इजी हो जाएगा कि जो होमवर्क मिलेगा आप उसमें बच्चों को करा सकते हैं। और दूसरा एक इम्पोर्टेंट चीज अक्षरा, कि बच्चों को होमवर्क और क्लास वर्क तो गूगल क्लासरूम में ही मिलेगा, तो आपके स्कूल से आपको एक आईडी मिला होगा, उस आईडी पे आप लॉगिन करिए, छोटे बच्चे का पूरा काम आप करेंगे। तो आप पेरेंट हैं, आपको आईडी मिला है, आप बच्चे का आईडी खोलिए, गूगल क्लासरूम में जाइए, वहाँ पे वर्कशीट मिलेगी या क्लास वर्क होगा और होमवर्क होगा, आपके पास किताबें हैं, आपने कॉपीज भी खरीद ली हैं, कलर्स भी ले आए हैं, जो नहीं लेकर आए हैं प्लीज़ आप मार्केट से ले आइए, ताकि हमारे बच्चों की पढ़ाई पे, लर्निंग पे, मस्ती की पाठशाला में कहीं पे भी कोई रुकावट न आए। और अक्षरा, क्या तुम बच्चों को इनवाइट कर रही हो यहाँ पे कि अकेले अकेले ही क्लास करोगी? नो, आई एम इनवाइटिंग माय स्टूडेंट्स ताकि मैम उनको ये फील आए कि वो भी क्लासरूम का एक पार्ट है। आपको पता है मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आ रही है एंड आई हैव टू लाइन अप फॉर द टाइम टेबल कि हम कौन से दिन कौन से बच्चे को बुलाने वाले हैं, तो बहुत मजा आने वाला है। सो हमारे पास एक नंबर है जो हमने पोस्ट किया है अभी, इस नंबर पे अगर आप अपने बच्चे को लेकर आना चाहते हैं हमारे साथ हमारे स्टूडियो में लाइव क्लास करने के लिए, गूगल मीट में तो आप जा ही रहे हैं, अगर यहाँ पे आना चाहते हैं क्योंकि यहाँ पे यूट्यूब का वीडियो हम करते हैं और इतने लोग हमको लाइव देखते हैं और हमेशा के लिए हमारा ये वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे चढ़ जाता है, तो अगर आपका बच्चा 10 साल बाद भी इसको देखेगा तो उसको याद आएगा कि वो अक्षरा मैम और दिव्यका मैम के साथ एक बार यूट्यूब पे गया था। और आप भी अपने
फैमिली फ्रेंड्स को वो उसका यूट्यूब का वीडियो भेज सकते हो। तो इस नंबर पे अपना नाम लिखिए और सिर्फ एक सेंटेंस लिखिए कि कॉल मी फॉर कनेक्टिंग मी इन यूट्यूब चैनल, तो हम आपको फोन करेंगे, आपसे बात करेंगे और हम आपको लाइन अप करेंगे। और दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच, स्टे विद अस। और अभी हमारे दो अमेजिंग वीडियोस आपके लिए वेट कर रहे हैं और वो दोनों वीडियो देख के कल सुबह की क्लास में जाइएगा। गॉड ब्लेस यू, वी विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। ओके।